सत श्री अकाल सारिआं नूं। तां इस वेले दी वड्डी खबर, बजुर्गां दी पेंशन हुण 3000 रुपये होवेगी, किस दिन तों लागू होवेगी, सारी जानकारी देण जा रहे हां। तां दस दईए, बजुर्गां लई वड्डी खबर है, देश दा बजट आउण च कुझ ही दिन बाकी हन। इस वार सरकार बजुर्गां लई वड्डी खुशखबरी देण जा रही है। केंद्र सरकार गरीबां, औरतां, किसानां अते बजुर्गां समेत सारे वर्गां नूं कुछ राहत देने की तैयारी दे विच है। तो दस दईए, तो आने वाले टाइम दे विच बजुर्गों की पेंशन 3000 रुपये जिहड़ी वह हो सकती है। तो दस दईए, उम्मीद की जा रही है बजुर्ग आबादी की पेंशन स्कीम विच वाधा हो सकता है। इस नाल ही इन्हां लोकां नूं इनकम टैक्स दे विच छोट भी मिल सकती है। तो तीन वड्डे तोहफे तुहानूं दसदे आम बजट तो पहला, कुछ गैर सरकारी संगठनों ने देश की बजुर्ग आबादी की बेहतरी लई कुछ कदम चुकन का सुझाव दिता है। इन्हां विच बुढ़ापा पेंशन विच वाधा, वाधू आमदन टैक्स, कर राहत अते बजुर्गों द्वारा बार बार वरते जाने वाले उत्पादों ते GST छोट शामिल है। NGO एजवल फाउंडेशन ने कहा कि बजुर्ग ते नौजवान पीढ़ी के बढ़ रहे पाड़े नूं वेखदे हुए बजुर्गों की जीवन शैली च बदलाव के मद्देनज़र उन्हां लई बजट च व्यवस्था की जानी चाहीदी है। फाउंडेशन ने एक बयान विच कहा कि सेवा मुक्त लोगों नूं लगातार सरगर्म रखने लई वड्डी गिणती विच उन्हां नाल जुड़ना जरूरी है। तो तुहानूं हुण अगे दसदे हां तो कि बजुर्गों की जिहड़ी पेंशन है तो उस दे विच वाधा किया जाएगा, पेंशन च सोध की जाएगी। तो फाउंडेशन ने एक वित्त मंत्रालय अते होर हिस्सेदारां नूं एक अपील की है कि वह अगले बजट नूं अंतम रूप दिंदे समय इस दीआं सिफारशां अते सुझावां ते विचार करन। बयान विच कहा गया कि मौजूदा महंगाई दे हिसाब नाल बुढ़ापा पेंशन नूं सोधिया जाना चाहीदा। तां 3000 रुपये प्रति महीना वाधा किया जाए पेंशन दे विच। बयान च कहा कि मासिक बुढ़ापा पेंशन विच केंद्र सरकार दा मौजूदा हिस्सा जिहड़ा हरेक योग बजुर्ग व्यक्ति लई 3000 रुपये प्रति महीना होना चाहीदा।